नेक्स्ट टॉपिक है जंक्शन डायोड्स। जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको ना कई तरीके से यूज किया जा सकता है, और ये कई तरीके के हैं। कई तरीके के कैसे, एक पीएन जंक्शन डायोड को में से आप सही तरह यूज करके उसमें से लाइट को बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड कुछ नहीं है, पीएन जंक्शन डायोड ही है। तो इट कैन एक्ट लाइक लाइट एमिटिंग डायोड। जैसे सोलर सेल छत पे लगा देंगे पैनल पे, तो क्या होगा, छत पे लगाने के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर जो आपके जो डायोड्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, फोटोन्स को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस है, आप उसको चार्जर की तरह काम कर सकते हैं, जो आप फोन का चार्जर लेते नहीं है चार्जर वैसा, तो उसको बोलते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड, जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो ये वोल्टेज को भी रेगुलेट कर देता है और कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई बाहर देता है। तो इसके कई फॉर्म्स हैं जो हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। आज हम जो स्टडी करेंगे वो एक ही टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है जीनर डायोड। जीनर डायोड बेसिकली होता क्या है, जीनर डायोड है, एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझें तो एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें सपोज करो आपके पास एक फोन है, ठीक है, आपके पास एक फोन है, मोबाइल फोन है, आप इसे चार्ज करवाना चाहते हैं, ठीक है, चार्ज करवाना चाहते हैं, और ये चार्ज होगा 3 वोल्ट पे। मान लो इसको कांस्टेंट 3 वोल्ट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, जरा सी वोल्टेज हाई हुई नहीं इसके बॉन्ड टूट जाएंगे, ज्यादा करंट निकल जाएगा इसका, जब ज्यादा करंट रिलीज होगा तो हीटिंग इफेक्ट से सड़ जाएगा। कम वोल्टेज पे भी प्रॉब्लम है इसे, ज्यादा पे भी प्रॉब्लम है, इसको शार्प पूरी पक्की 3 वोल्ट ही चाहिए, बात ही खत्म, ज्यादा कम नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा, वो डिवाइस क्या करेगा, एसी से इनपुट लेगा और कुछ ऐसा करेगा कि आउटपुट आपको 3 वोल्ट ही देगा। तो ऑब्वियसली आपको एक चार्जर लगाना पड़ेगा, वो चार्जर पहले 220 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करेगा 3 वोल्ट एसी। अब तीन, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का पता कुछ नहीं होता पीछे से, 3 की जगह 4 वोल्ट भी बना सकता है, 3.5 मतलब फ्लक्चुएटिंग है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स आर ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, पर आपको क्या चाहिए, आपको 3 वोल्ट डीसी ही चाहिए। तो आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, एक पहले रेक्टिफायर, तो 3 वोल्ट क्या बन गया मान लो डीसी, पर अगर पीछे से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गई तो ये 3 की जगह 3.5 वोल्ट डीसी भी बन जाएगा इससे में, और अगर आपने फोन को 3.5 दे दिया उड़ जाएगा। तो आप इसमें लगाएंगे रेक्टिफायर के बाद एक जीनर डायोड। जीनर डायोड का ये सिंबल है, तो जीनर डायोड का, नॉर्मल डायोड का ये सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का, जीनर डायोड का ये सिंबल है, ये सिंबल है जीनर डायोड का, ठीक है। तो नॉर्मल डायोड है, ये जीनर डायोड है, ठीक। अब क्या करेगा जीनर डायोड, एक ऐसी चीज है, आप पीछे से वोल्टेज चाहे 6 वोल्ट लेके आए, चाहे 7 लेके आए, चाहे 5.5 लेके आए, जितनी मर्जी लेके आए, इसके अंदर अगर आप इनपुट 6, 7, 8 देंगे, इसने आउटपुट 3 वोल्ट ही देना है। तो अगर जीनर वोल्टेज 3 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसका, तो ये कांस्टेंट सप्लाई देगा, ये नहीं चेंज होगा। अब ऐसा कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि कांस्टेंट सप्लाई देगा वोल्टेज की, और ये एक वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर इसका दूसरा नाम है, कि जीनर डायोड एक्ट्स लाइक अ वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर। कैसे काम करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, पर क्या करते हैं समझ में आ गया यहां तक। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करता है, रिवर्स बाइसिंग के ब्रेकडाउन में काम करता है। मतलब जीनर डायोड में जब आप जीनर डायोड को यूज करना चाहते हैं, तो रूल नंबर 1, आप जीनर की रिवर्स बाइसिंग करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में काम नहीं करता। तो रिवर्स बाइसिंग का काम क्या होता है, डायोड का करंट को ब्लॉक करके रखना, रोक लेता है। पर एंड में मैंने वर्ड यूज किया ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब कि अगर उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है जीनर की, आपने वोल्टेज 3 वोल्ट से ज्यादा ही देनी है, फिर तो आपको सर करंट ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये ब्रेकडाउन में जाए और ये अननेसेसरी करंट को बाहर फेंके। नॉर्मली नॉर्मल डायोड में चाहते नहीं है, नॉर्मल डायोड में चाहते हैं करंट को ब्लॉक करके रखे, इसमें चाहते हैं कि रिवर्स बाइसिंग भी करें, कुछ देर के लिए करंट को ब्लॉक भी करके रखे, और इसका क्या हो जाए, ब्रेकडाउन भी हो जाए। क्यों, मैं रीजन बताता हूं क्यों, ठीक है यहां तक। तो जीनर डायोड हमेशा किसमें काम करेगा, रिवर्स बाइसिंग में,
और ब्रेकडाउन जब हो जाता है तब ये सही काम करता है। अब कैसे, ये क्या करता है, इसका जो बेसिक डायग्राम है वो ऐसा है, ये रहा। ठीक, अगर आप मेंस के पेपर उठा लें, मेंस और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी देखें, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही मेंस में आते हैं, बड़ी बात यहाँ नीट में आते हैं, आपको कम से कम अगर 15 क्वेश्चन अगर आपको सेमीकंडक्टर के दिखे, 15 में से कम से कम 6-7 तो पक्का ऐसे डायग्राम दिखेंगे दिखेंगे, इतना फेमस है ज़ीनर डायोड, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आपके मेंस और नीट में इसके न्यूमेरिकल के आने की, स्पेशली मेंस में। नीट में तो थ्योरी भी आती है सेमीकंडक्टर की, बड़ी बात नहीं है, थ्योरी मार्क करके काम चलता है, पर मेन वालों को ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस सेशन अलग है, नेक्स्ट टाइम होना है इसका, तो उसमें दिखाऊंगा कि जीनर कैसे काम करता है। आज सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका, जीनर काम कैसे करता है, लेकिन मज़ा तब आएगा जब न्यूमेरिकल में लगाना सीख लेंगे, और वो 2 मिनट का काम है, इसके ऊपर काम नहीं है, मतलब मेरे लिए उल्टा चैलेंज है, थ्योरी समझाना इसकी मुझे मुश्किल है, न्यूमेरिकल 2 मिनट में इलेक्ट्रिकली सॉल्व होता है इसका। देखो ज़ीनर डायोड में प्रॉब्लम क्या है, ज़ीनर डायोड में अगर मान लो एक ज़ीनर डायोड है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है, मतलब किसी ने कहा कि सर बात ऐसी है, आप लेके तो जा रहे हो, पर अगर आपने इसकी रिवर्स बायसिंग की और आपने 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इसको दी, तो ये ड्रास्टिकली करंट को बढ़ाएगा, ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा, फिर मत कहना, मैंने कहा कोई बात नहीं दे दे। ऐसी एक स्टूडेंट आया, एक नया ज़ीनर डायोड, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है, हर का डिफरेंट होता है, तो उसको सिखाया गया अगर 5 से ऊपर वोल्ट दे दिए तो ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा। उसने कहा ठीक है जी, क्योंकि ज़ीनर डायोड ने काम ही कब करना है जब आपने वोल्टेज 5 और 3 से ज़्यादा अप्लाई करनी है, इसने सही काम करना ही नहीं, तो इसका काम ही तब स्टार्ट होता है जब इसका ब्रेकडाउन होता है। तो ये करेगा क्या, सपोज करो ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, अगर आपकी वोल्टेज 3 वोल्ट से कम है पीछे से, मान लो 2 वोल्ट है सिर्फ, इसका ब्रेकडाउन कितने पे होना है, 3 वोल्ट पे। अब इसको 3 तो मिल नहीं सकती, 3 से कम ही मिलेगी जो भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से कुछ करंट इधर भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, जैसे ही इसमें जीनर का करंट गया, इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं अभी, क्योंकि इसको वोल्टेज 3 वोल्ट तो मिली नहीं, जब पीछे से 2 है इसको 3 कैसे मिलेगी, नहीं मिल सकती, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। और जब इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये कहेगा ऐसा है कि मैं करंट को अपने अंदर से पास होने दूंगा ही नहीं, मैं रिवर्स बाइसिंग में हूँ, तो करंट को ब्लॉक कर देगा, सारा का सारा करंट आई कहां से पास करेगा, इस आउटपुट लोड रेजिस्टेंस से पास करेगा, तो आई इंटू आर जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से कम आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 वोल्ट से कम आएगा आंसर, ऐसे कुछ। तो प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो फोन है, जहां पर मुझे वोल्टेज चाहिए, मुझे कांस्टेंट 3 वोल्ट ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ब्रेकडाउन नहीं करूंगा तो मैं अपने वोल्टेज यानी कि 3 वोल्ट से कम रखूंगा, इसका मतलब इसको मेरे मोबाइल फोन को तो 3 वोल्ट मिल ही नहीं पाएगा कभी भी, तो कम से कम मेरे को मेरा क्वेश्चन में 3 वोल्ट से ज्यादा आंसर तो देना ही पड़ेगा, तो मेरी इनपुट वोल्टेज कम से कम 3 तो रखो। अब मान लो आपने वोल्टेज रख दी 5 वोल्ट, पीछे से 5 आ गई, मुझे कितनी चाहिए, 3, तो मैं ज़ीनर डायोड लगाऊंगा जो ब्रेकडाउन कितने पे करेगा, 3 वोल्ट पे। अब पूरी उम्मीद है कि 5 वोल्ट लगाने से इसके पास वोल्टेज 3 से ज्यादा तो मिली गई, अब जैसी 3 से ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, अब ये कहेगा देखो 3 से नीचे अगर आप मुझे वोल्टेज देते हो तो मेरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो मैं करंट को पास नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब 3 से ज्यादा अगर वोल्टेज देते हो तो जो करंट इसमें आएगा वो मैं अपने अंदर से पास करवाऊंगा और कुछ इसको भी भेजूंगा, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लग जाता है इसमें, ठीक है यहां तक। अब ये क्या करेगा, इसकी वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट है, इसकी वोल्टेज 3 वोल्ट है, ये क्या करेगा, करंट को अपने अंदर से ऐसे पास करवाएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट को चेंज करके पास करवाएगा, कभी ज्यादा कभी कम, डिपेंडिंग कितनी इनपुट वोल्टेज है, सच दैट इसमें इतना करंट ही भेजेगा आई एल इंटू आर एल, ताकि इनका प्रोडक्ट हमेशा कितना आए, 3 वोल्ट ही आए, ये अपने अंदर करंट को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि इसको इतना करंट दे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 वोल्ट ही आएगी, और अगर पीछे से मान लो 5 की जगह 6 वोल्ट आ गया, ये करंट बढ़ गया, ये अपने करंट को ऐसे एडजस्ट करेगा कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमेशा कितना रहेगा, 3 वोल्ट ही रहेगा, और अगर इसका 3 वोल्ट रहेगा तो इसका ऑटोमेटिकली कितना रहेगा, 3 वोल्ट ही रहेगा। वो कैसे, इमेजिन करो, ठीक है, मान लो इसका एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, इसकी जो वोल्टेज है, इसकी जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज है ना, इनपुट वोल्टेज माइनस आई इंटू इसकी रेजिस्टेंस है,
इसकी खुद की रेजिस्टेंस होती होगी। मान लो इसकी खुद की रेजिस्टेंस 1 है, और मान लो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज मुझे किसी भी हालत में क्या चाहिए, 3 ही चाहिए, 3 ही चाहिए। तो अगर जीनर डायोड लेके आते हो जिसका ब्रेकडाउन 3 वोल्ट है, तो वो कैसे काम करेगा देखो। ये करेगा, इनपुट वोल्टेज अगर मान लो 4 वोल्ट लेके आते हो, मान लो इनपुट वोल्टेज 4 लेके आते हो, तो ये करंट अपने अंदर कैसे एडजस्ट करेगा आईजेड, ये करंट को कर लेगा कितना 1 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है 1, ताकि आंसर कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि पीछे से अनरेगुलेटेड वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो पता है क्या करेगा, ये अपने करंट को चेंज करके क्या कर लेगा, 2 × 1, आंसर क्या देगा 3 वोल्ट। अगर पीछे से रेजिस्टेंस 6 वोल्ट है, तो करंट को ये 3 एम्पियर करता हुआ आंसर फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट तो पैरेलल में ये भी कितने हैं, 3 वोल्ट। हर वक्त ये अपने करंट को चेंज करता रहेगा, अपने अंदर से करंट को ऐसे चेंज करेगा कि आउटपुट वोल्टेज आपको हर हालत में उतनी ही देगा जितना इसका ब्रेकडाउन है, जो कि 3 वोल्ट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये ब्रेकडाउन पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसके अंदर से करंट तब जाएगा जब ये ब्रेकडाउन पे आ जाएगा, अगर ब्रेकडाउन ना हुआ इसके अंदर करंट नहीं जाएगा। तो क्लियर है यहां तक, न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। न्यूमेरिकल में तो बहुत ईजी है इसको समझाना, उल्टा थ्योरी में समझाना मुश्किल से, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो अगर बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं समझ में आता, एक सिंपल रूल समझ लें। अगर किसी न्यूमेरिकल में जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है ना, तुम जो मर्जी कर लो, इसने 5 वोल्ट ही रखना है, बात ही खत्म। तुम करंट में एडजस्टमेंट करोगे, ये 5 है तो ये भी क्या रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा, बस ये याद रखना। क्योंकि इसका अगर जीनर का वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 है, तो इसे 5 ही रखना है, ये करंट को एडजस्ट कर लेगा लेकिन वी में एडजस्टमेंट नहीं करेगा, वी इसका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये कैसे काम करेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी न्यूमेरिकल्स में। तो ये इसकी जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ब्रेकडाउन वोल्टेज की, रिवर्स बायसिंग की सेम है, कुछ करना नहीं है इसमें। और अगर ग्राफ मार्क करने को आ जाए कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जीनर में कैसे काम करती है, एक जीनर डायोड है, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है, अगर आपने वोल्टेज 1 वोल्ट दी सिर्फ, 1 वोल्ट दी इनपुट, आउटपुट भी 1 ही देगा वो, 2 दी तो 2 देगा, 3 दी तो 3 देगा, लेकिन अगर आपने 4 दी 3 देगा, 5 दी तो भी 3 देगा, 6 दी तो भी 3 देगा, 10 दी तो भी 3 देगा, क्योंकि 3 वोल्ट के बाद तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर वोल्टेज क्या हो जाएगा इसका, रेगुलेट कर देगा और कॉन्स्टेंट ही कर देगा। इसलिए ये ब्रेकडाउन के बाद काम करवाया जाता है, क्योंकि हमें एक रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए। तो क्या ये आइडिया क्लियर है जीनर का?